नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली RCB के ऊपर। दोस्तों, RCB टीम ने फाइनल जो है पहले मुकाबले में जीत हासिल कर ली। 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर टीम ने ये मुकाबला जीता, क्योंकि दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम है काफ़ी मजबूत है, जिसकी वजह से ये मुकाबला जो है आखिरी गेंद तक चला, जहाँ पर दोस्तों RCB टीम ने आखिरी गेंद पर 2 विकेट से जीत हासिल की। अब ऐसे में दोस्तों इस मैच के बाद RCB टीम को दूसरा मुकाबला कब, कहाँ और कैसे खेलना है, उस मैच में दोस्तों क्या बदलाव हो सकते हैं RCB टीम में, यही सारी बातचीत आगे इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सारी जानकारी आपको दूंगा, तो भाई अगर आप भी RCB टीम के फैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। वहीं दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि रोजाना अपडेट्स आप तक हमेशा सबसे पहले पहुंचती रहे। वहीं दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली RCB को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाकर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों थोड़ा सा बात करें कल हुए मुकाबले की, तो कल मुकाबले में दोस्तों वहाँ पर RCB टीम के खिलाड़ियों ने शानदार फॉर्म दर्शाई और टीम के सभी खिलाड़ियों ने जो है शानदार प्रदर्शन किया। पहले टीम ने गेंदबाजी में अच्छा किया, जहां पर दोस्तों मोहम्मद सिराज, काइल जेमिसन और हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी की। चहल थोड़े से महंगे साबित हुए, मगर दोस्तों चहल जो है वो एक बड़े खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हो गए हैं वो टीम के, ऐसे में वो अगले मैच में वापसी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पर मोहम्मद सिराज जो है काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने विकेट्स भले ही नहीं लिए मगर काफ़ी किफ़ायती साबित हुए, रन्स बिल्कुल नहीं दिए। वहीं दोस्तों काइल जेमिसन ने जो है शानदार शुरुआत दिलाई RCB टीम को, क्रिस लिन के सामने उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। इसके बाद दोस्तों जब भी वो अपने स्पेल में आए उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, कसी हुई गेंदबाजी की, रन नहीं दिए। यही एक रीज़न था कि RCB टीम जो है मुंबई इंडियंस को 160 रन पर रोकने में कामयाब हुई। वहीं दोस्तों सुंदर ने भी अच्छी गेंदबाजी की, हालांकि वो एक ही ओवर कर पाए। इसके अलावा दोस्तों मैच के हीरो रहे वहां पर हर्षल पटेल, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हासिल किए और इकलौते ऐसे गेंदबाज हो गए जिस गेंदबाज ने मुंबई इंडियंस के सामने 5 विकेट लिया हो। इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी में भी RCB टीम के खिलाड़ियों ने वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया। पहले जो है विराट कोहली ने अच्छी शुरुआत दिलाई टीम को, इसके बाद दोस्तों मैक्सवेल ने भी वहां पर पारी को संभाला और टीम को धीरे धीरे टारगेट के करीब लेकर गए। इसके बाद दोस्तों अंत में एबी डिविलियर्स ने अकेले दम पर मैच को आखिरी ओवर तक ले गए, लेकिन आखिरी गेंद पर वो रन आउट हो गए। मगर दोस्तों RCB टीम जो है ये मुकाबला आखिरी गेंद पर 1 रन बनाकर जीत गई। हालांकि वहां पर थोड़ी सी सांसें थम गई थी RCB टीम के सभी फैंस की, मगर दोस्तों अंत में जो RCB टीम ने कैसे कैसे मैच जीत लिया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिरकार RCB टीम जो है अपने आने वाले मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ जो है क्या बदलाव करने वाली है, टीम में क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं, कौन से खिलाड़ियों को इस बार मौका मिलने वाला है और कौन से खिलाड़ी जो है टीम के बाहर जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हैदराबाद के खिलाफ RCB टीम को अपना अगला मुकाबला खेलना है और 14 अप्रैल को ये मुकाबला होने वाला है। लेकिन दोस्तों इस मैच में जहाँ तक चांसेस हैं हमें कुछ बदलाव होते हुए दिखाई नहीं देगा, शायद एक ही बदलाव होगा, वो भी होगा पड्डिकल का। अगर बाई चांस पड्डिकल प्लेइंग 11 में वापसी करते हैं, वो खेलते हुए दिखाई देते हैं अगला मुकाबला, तो हो सकता है हमें शाहबाज अहमद ना खेलते हुए दिखाई दे, उनके प्लेस पर ही पड्डिकल जो है वापसी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बाकी किसी खिलाड़ी को भी RCB टीम बाहर नहीं निकाल सकती है, बाकी सभी खिलाड़ियों ने वहाँ पर अच्छा किया हुआ है। शाहबाज अहमद भी अच्छे खिलाड़ी हैं, प्रैक्टिस मैचेस में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, मगर दोस्तों अगर पड्डिकल आएंगे तो उन्हें बाहर बैठना ही पड़ेगा। तो भाइयों ये एक बदलाव है मेरे हिसाब से हो सकता है RCB टीम में अगले मैच में, आने वाले मैच में। वहीं दोस्तों बाकी कोई बदलाव हमें होने के चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।